प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा चूक के कारण रैली में नहीं जा सके। कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पता चला कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखी है। प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। यह पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस बड़ी चूक के कारण पीएम मोदी के काफिले ने बठिंडा एयरपोर्ट वापस जाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और पंजाब की सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव में हार के डर से पीएम मोदी के कार्यक्रमों में रोड़ा डालने की हर कोशिश कर रही है। नड्डा ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वस्त किया था कि प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी के काफिले के रास्ते में आने दिया गया और यह बड़ी सुरक्षा चूक है। आज के दिन पंजाब में कई जगह किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले को लेकर फोन पर बात तक नहीं की। नड्डा ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस को निर्देश था कि वह लोगों को पीएम मोदी की रैली में जाने से रोके। पीआईबी ने पूरे मामले पर गृह मंत्रालय का बयान जारी किया है। पीआईबी के बयान में लिखा गया है, आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी बठिंडा लैंड किए और यहां से वो हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे। बारिश और कम दृश्यता के कारण प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम साफ नहीं हुआ तो फैसला किया गया कि वो सड़क मार्ग से ही शहीद स्मारक पहुंचेंगे। डीजीपी पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रबंध की पुष्टि होने पर पीएम मोदी का काफिला रवाना हुआ। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखी है। प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि पीएम मोदी का काफिला रोकने की घटना सुरक्षा में हुई गंभीर चूक है। प्रधानमंत्री को फिरोजपुर रैली में शामिल होने से किसानों द्वारा रोके जाने की घटना पर केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की है।